हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक अच्छे से ट्रिप बताने वाला हूँ जो कि हर एक लोगों के पास रेडियो होता है, परंतु वो मोबाइल में, अभी सब लोग मोबाइल में ही सुनते हैं, या फिर रेडियो का तो जमाना तो अभी तक नहीं रहा, ये हम सोचते हैं, परंतु अभी तक रेडियो का जमाना है दोस्तों। ठीक है, अभी लोग ऑनलाइन रेडियो सुनना पसंद करते हैं, ऐसे के रेडियो बॉक्स लेकर कोई ज़्यादातर घूमता नहीं है, हर कोई मोबाइल में ही ऑनलाइन रेडियो सुन लेते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इसी पर बनाने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राहुल तिवारी जनरल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और तो और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, इस वीडियो को पूरा पूरा अंत तक भी देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए, ताकि हर एक जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझ में आ जाए। और दोस्तों, कमेंट्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में उस ऐप की लिंक भी मिल जाएगी, आपको उस ऐप का मैं आपको नाम बता देता हूँ, रेडियो सॉरी ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्टेशन। ठीक है दोस्तों, वो अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, अगर आप वहाँ पर टाइप करेंगे ऑल इंडिया रेडियो लाइव, तो फिर वहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेडियो मिल जाएंगे, काफ़ी सारे। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको आखिर कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक जो इस ऐप की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ जाकर वो पूरा पूरा आप लिंक से डाउनलोड कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे ओपन करना है। इसके लिए आपको वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, और जैसे आप टाइटल पर क्लिक करेंगे वहाँ पर एक पब्लिश करके ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ पर लिंक मिल जाएगी ऑल इंडिया रेडियो की, उस पर आपको क्लिक करना है, और फिर वो आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा, वहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको परमिशन देनी है अलाउ करके, और उसके बाद कुछ स्टेट आ जाएंगे, सभी हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं वो सभी स्टेट वहाँ पर आ जाएंगे। और जैसे ही आएंगे तो आपको जिस स्टेट का रेडियो सुनना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, ऐसे सभी स्टेट आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह सब आ जाएंगे। तो इसमें से आपको हर एक स्टेट के बाजू में एक अनटिक का निशान आएगा, अनटिक का निशान मिलेगा आपको। तो फिर जिस भी स्टेट का आपको रेडियो सुनना है, अगर आपको महाराष्ट्रियन सुनना है तो फिर महाराष्ट्र नाम वहाँ से आपको चुनना पड़ेगा, और उस नाम के बाद वहाँ पर एक अनटिक नाम का ऑप्शन होगा, अनटिक, तो फिर उसका उस ऑप्शन पर आपको टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे तो फिर सीधा वो ऑप्शन चूज किया जाएगा ऑटोमेटिक, और फिर वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि ब्रॉडकास्ट और सर्च। सर्च में आपको जो भी रेडियो चाहिए, जैसे कि अमरावती, कोल्हापुर, जलगांव, धुले, जो भी आपको रेडियो चाहिए वो आप नाम डालकर वहाँ सर्च करके उस रेडियो को सुन सकते हैं। और जो ब्रॉडकास्ट है वहाँ पर आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, और फेवरेट जो है, फेवरेट में आपको जो जो मतलब FM जो स्टेशन है वो आप वहाँ पर सेव कर सकते हैं, ताकि कभी भी आपको लिस्ट वहाँ पर लिस्ट में जाकर सीधा आपको देखना ना पड़े कि मुझे ये सुनना है तो अभी मुझे कहाँ कहाँ देखना पड़ेगा। बहुत सारे रेडियो तो वहाँ आ चुके हैं सर्चिंग में, परंतु उसे ढूंढने में जरा दिक्कत आ रही है, जरा जल्दी जल्दी मिल नहीं रहा है, तो उस वक्त आप उसे फेवरेट ऑप्शन में सेव करके रख सकते हैं, ताकि कभी भी आपको अगर वो चैनल सुनना है तो फिर आप फेवरेट में जाकर सीधा आप उस चैनल पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उस फेवरेट के बाद में एक रिसेंट प्लेयर करके आता है, और उसके बाद सभी लिस्ट ओपन होकर आ जाती है। वहाँ पर अगर आप महाराष्ट्र सेलेक्ट करते हैं तो फिर महाराष्ट्र के सभी जो भी जितने भी FM है, FM हो, आकाशवाणी, शॉर्ट मीडियम बैंड हो, सब वहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे, और एक एक करके आपको जो भी सुनना है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे ऑटोमेटिकली वो चैनल प्ले हो जाएगा। जैसे प्ले होगा, अगर उसका टाइम मतलब अभी उसकी जो उसका जो प्रसारण है वो अगर बंद हो गया होगा तो फिर वहाँ पर बंद का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कुछ देर बाद पुनः प्रयास करिए, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, और फिर आपको वहाँ पर नो थैंक्स गॉट इट करके ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि अगर आप उसके प्रसारण अगर बंद हो गए उसी वक्त अगर आप प्ले करते हो तो फिर वो उसी प्रकार का सूचना वहाँ पर दिखाएगा, नोटिफिकेशन के। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर चालू रहा उसका प्रसारण तो फिर वो सीधा आप उस चैनल पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर सीधा वो प्ले कर देगा, फिर आप लाइव सुन सकते हैं।
रेडियो, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर सभी प्रकार के महाराष्ट्र में हो या फिर हिंदुस्तान में जितने भी FM हो, आकाशवाणी हो, विविध भारती, BBC, सब कुछ जितने भी FM हो आप सब कुछ सुन सकते हैं। आकाशवाणी हो, चाहे मीडियम बैंड शॉर्टवेव हो, कौन सा भी रेडियो हो, आप उसी ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं दोस्तों। और काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि अब ऑल इंडिया रेडियो भी है जिसके माध्यम से हम सुन सकते हैं, परंतु दोस्तों वो जो लोग कहते हैं तो उन लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया रेडियो में गिने चुने ही रेडियो सुनाए जाते हैं, जैसे कि रेडियो मिर्ची हो, मुंबई गोल्ड वगैरह, अस्मिता वाहिनी, विविध भारती, ऐसे भोपाल वगैरह, ऐसे गिने चुने जो प्रमुख शहरों के जो रेडियो होते हैं वही सुनाए जाते हैं। परंतु दोस्तों इस ऐप में ऐसा नहीं है। जो ऐप मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, जो जिस ऐप का अभी वीडियो मैं बना रहा हूँ, उस ऐप में ऐसा नहीं है। आप हिंदुस्तान में कहीं का भी, किसी का भी, मतलब कौन सा भी रेडियो आप सुन सकते हैं, कौन सा भी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ठीक है दोस्तों। बस वो लिस्ट में होना चाहिए, मतलब वो लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें जरूर कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स में ये बताइए कि वीडियो कैसा है, अगर वीडियो अच्छा है तो हमें नाइस कहिए, और अगर वीडियो में कुछ गलतियां हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर हमें उस प्रॉब्लम के बारे में बताइए, ताकि हम और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए, हमारी इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए, लाइक भी कीजिए दोस्तों, और अंत में यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हमारे जो 500 लाइक का जो टारगेट है वो पूरा पूरा कीजिए दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त राहुल विदा चाहता हूँ, बाय।